मैं इस समय हूँ यशो भूमि, जहाँ लगा है अन्नपूर्णा फूड इंटरनेशनल। यहाँ आपको दिखाई देंगे फूड से अलग अलग कंपनियाँ जो प्रोडक्ट बनाती हैं, और साथ में बेकरी मशीनरियाँ यहाँ आपको दिखाई देंगी, जो लेटेस्ट मशीनें जो आई हुई हैं यहाँ पर, तो सब देखेंगे। और जो आज बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है ऑप्शन कि आप यहाँ पर कुछ देखें और कुछ अपने फूड की प्रोडक्ट बनाने चालू करें। कम पैसे में भी काम किया जा सकता है। और यहाँ चलेंगे अंदर और देखेंगे क्या क्या यहाँ पे आइटमें बन रही हैं। चलते हैं अंदर, गेट बनाते हैं जो लॉकिंग सिस्टम, या ये समझो कि जो गोदाम होते हैं, वायर हाउस होते हैं, उनके शटल ऐसे ही यहाँ पर रेड मार्कर, जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट, उनकी मशीनें। यहाँ पर स्टैंडर्ड मशीनरी है जो ये बेकरी फूड मशीनरी वगैरह बनाते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ किचन इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं। यहाँ फूड के अंदर सबसे ज़्यादा आइटमें होती हैं खाने पीने की, तो कोई भी बेरोजगार आदमी इसमें कोई भी अपना चॉइस के हिसाब से देख सकता है। मैं इस समय हूँ फेफकॉन के स्टॉल पे, जो बनाती है बेकरी प्रोडक्ट, जो बेकरी में मशीन इस्तेमाल होने वाली है वो, तो इन सब मालूम करेंगे क्या क्या ये चीज़ें बनाते हैं बेकरी में इस्तेमाल होने वाली मशीनें। तो चलते हैं इनसे पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। संजय सिंह, फेफकॉन इंडिया, हम लोग ग्रेटर नोएडा में बेस्ड है और तकरीबन 40 साल पुरानी कंपनी है, और हम लोग स्नैक्स फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, नमकीन, भुजिया, चिप्स और हल्दीराम, गीताजी, मिकानो, ऐसी कंपनियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जो भी लीडिंग स्नैक्स फूड इंडस्ट्री है उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास नमकीन के फ्रायर, चिप्स फ्रायर सारे हैं। ये इस समय ये यूनिट जो है ये डायनेमिक वेइंग सिस्टम के साथ सीजनिंग है, फ्लेवर कोटिंग करना है किसी भी नमकीन के लिए, तो डायनेमिक वे बेस्ड है ये, और इसमें एक्यूरेसी आती है हमारी सीजनिंग की, सीजनिंग लॉस नहीं होता। वो फ्रायर है हमारा, छोटा फ्रायर जो स्लरी बनाते हैं, वो प्रिपरेशन टैंक है इसका, ये पंप है डोजिंग करने का, जो कंट्रोल बेस्ड में सीजनिंग को डोजिंग करता है, टिक्की स्प्रिंग रोल के लिए फ्राइंग के काम आता है। ये वायर है जो हमारे मटर, पीनट, टेस्टी, भजिया, ड्रायल है, फ्रायर है, फ्रायर ऑयल फ्रायर है। ये हमारे सारे इंडस्ट्रीज में चल रहा है। थैंक यू। क्या बोलते हैं इस मशीन पर पैकेजिंग के लिए? सर क्या कर रही है मशीन? ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर अप मशीन से पैकेजिंग। यहाँ पे फाइनल ऑफर के देख ली किस तरीके से ये चला और यहाँ पे पैकिंग होकर के यहाँ तक आ रहा है। मैटर ले लो, मैं हूँ इस समय टूथपेस्ट के स्टॉल पे। यहाँ पे उसकी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो दांतों की बीमारी के हिसाब से या जैसे नॉर्मल के हिसाब से। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी आपके स्टॉल के ऊपर मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे टूथपेस्ट है और उसके पैकिंग अलग अलग है, तो उसका कुछ बारे में बतलाइए, उसमें क्या क्या इसके अंदर है। नमस्ते सर, तो बेसिकली हमारा डॉक्टर जयकरण का हर्बोडियन टूथपेस्ट है,
ये 21 हर्ब और प्रीमियम है, 21 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो ये नॉर्मल रखेगा और फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम आने भी नहीं देगा। अगर आप हमारे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो आपको कभी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर हर्बल टूथपेस्ट है। अगर इसके साथ साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है, जैसे ठंडा गर्म की प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी को कैविटी की प्रॉब्लम हो गई, कैविटी को ख़त्म नहीं करेगा पर आपको एसिडिटी टूथ में कराना पड़ेगा, पर वो फर्दर दूसरे दांतों में आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर ठंडा गर्म की प्रॉब्लम है तो हमारा हर्बल सेंसिटिव है, इसको आप यूज़ करिए, आपकी सेंसिटिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा और जड़ से खत्म कर देगा। तो मेरे 100 ग्राम का पोल कितने का है सर? ये आपका 120 MRP है। अच्छा। ये अलग अलग जगह पे जैसे और हमारे राज मंदिर के स्टॉल जितने भी हमारे ब्रांचेस है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको BKD पे मिल जाएगा, हर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह पे, दैनिक या हर एक केमिस्ट शॉप पे है, हर एक आयुर्वेदिक शॉप पे है सर। तो और कोई वैरायटी क्या है इसके अंदर? सर ये हर्बल क्लोव है। अगर किसी को क्लोव का टूथपेस्ट चाहिए होता, लौंग का टूथपेस्ट चाहिए होता तो उसके लिए है। साथ में ये नीम है, बहुत लोगों को नीम का टूथपेस्ट चाहिए होता है जिससे हमारे जो मसूड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो ये नीम का टूथपेस्ट है। इंडिया में पहला हमने बनाया है कलौंजी का टूथपेस्ट जो हमारे इनेमल के लेयर को हार्ड करने का काम करता है। ये हमारे इनेमल लेयर को हार्ड करने का काम करता है जिससे फर्दर कैविटी नहीं होती है। दूसरा है ये चारकोल, मोती जैसे चमकते दांत तो नहीं देते पर जो नेचुरल वाइब होती है, क्योंकि हम कोई भी ब्लीचिंग एजेंट नहीं यूज़ करते इसमें, ये आपके दांतों के नेचुरल वाइब को लाता है, जो नॉर्मल पीलापन का प्रॉब्लम होता है तो ये उसके लिए है। दूसरा ये मिसवाक का टूथपेस्ट है, बहुत लोग अलग अलग वेराइटी चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग फ्लेवर्स लोगों को चाहिए होता है, पसंद होता है तो उसके लिए। बाकी ये हमारे सेंसिटिविटी का अलग है, इसमें थोड़े से कम हर्ब्स है, इस वाले में हर्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। थैंक यू मैडम। मैं इस समय हूँ एक स्टॉल के ऊपर जहाँ पर कन्वेयर लगे हुए हैं, मालूम करेंगे तो ये क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर आप जो यहाँ पे स्टॉल लगा रखे हैं यहाँ क्या क्या है? यहाँ पर हमने जैसे केस वेयर मशीन लगाया है, रोबोटिक पैलेटाइजर लगाया हुआ है, फिर फ्लोरापिंग मशीन रखा है। कंपनी का नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। कंपनी का नाम है फोर्टी इंजीनियरिंग। और क्या? अपने आप परिचय दीजिए जी। अपना परिचय? हाँ, मेरा नाम सैयद मोहियुद्दीन है और मैं एक डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का। तो सर आप बतलाएँ क्या क्या है यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे आप रोबोट लेके आए हो ये जो हम देख रहे हैं? हाँ, ये सैनिटाइजिंग रोबोट है जिससे आप विदाउट ये ह्यूमन इंटरवेंशन के आप एक पैलेट बना सकते हो प्रोडक्ट। और ये यहाँ पर ये कन्वेयर, ये प्रोडक्ट है जो आपके बड़े बड़े बॉक्सेस हैं इनलाइन प्रोडक्शन में, या बैच है तो आपको वेट करना है और वेट के हिसाब से उसको आगे देखना है तो वो ये मशीन है। अगर इसमें वेट कम या ज़्यादा होता है तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो लाइन के बाहर आ जाता है, तो ये रिजेक्शन हो जाता है आपका। और आगे ये मशीन रखी आपकी, इसके बारे में? ये वाली जो है ये ट्री फॉर्मिंग मशीन है, जो ब्लैंक्स होते हैं वो ब्लैंक्स को ट्रे के अंदर फॉर्म करते हैं, इसको ग्लूइंग मशीन से उसके साइड चिपकाए जाते हैं और एक ट्रे फॉर्म होता है। अच्छा। ये इस तरह के ट्रे फॉर्म होते हैं। ये कंप्लीट हो गए हैं? ये कंप्लीट है। ठीक है सर। यहाँ पर देखेंगे एक और पैकिंग है जो इसकी आगे चल करके होगी। सर इसके बारे में बताएं क्या है भैया? ये फ्लोरैपिंग मशीन है, जैसे चॉकलेट बेकरी प्रोडक्ट उसके लिए पे अलग अलग साइज के प्रोडक्ट जो है उसको हम फ्लोरैप करते हैं, एक पाउच में पैक करते हैं, तो ये थ्री साइड सील प्रोडक्ट है। इस तरह के का ये ट्रे प्रोडक्ट है जो फ्लोरैप होके फाइनल पैक हो जाता है। यहाँ इसका रोल पॉइंट के अंदर इसकी पैकिंग है जो इसको चिपकाएगा। ये पैकिंग आई। यहाँ पे फाइनल हो गया है, फाइनल हो गया। सर ये क्या है? चिप में ही मशीन है, ये सिक्वेयर है
ये छोटे छोटे प्रोडक्ट को छोटे प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसको इनलाइन वेट करते हैं, अंडरवेट ओवरवेट ये ओके प्रोडक्ट है, अगर अंडरवेट या ओवरवेट होगा तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये लाइन में से निकाल देते हैं। ठीक है सर, राहुल एक कंपनी के अंदर जो 14 प्रो मशीनें इंपोर्ट करके और यहाँ सप्लाई करते हैं, तो उनसे बात करेंगे क्या क्या ये मशीनें हैं, कोर्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, सो हम लोग हैं टोटल फूड सर्विस इक्विपमेंट एंड हमारी कंपनी रिप्रेजेंट करती है सारे ब्रांड्स को। अच्छा, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो ये मशीन की क्या क्या ब्रांड के क्या क्या है? मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये जैसे ये पहली वाली मशीन है जापान की मशीन है। अच्छा। इसमें आपका काजू कतली, काजू रोल, बिस्किट्स, अम्बा बर्फी और कचौरी वगैरह बन जाती है, जो भी इंडियन स्वीट्स और सेवरीज होती है, बस आपके डाई में फ़र्क आता है। अच्छा। फिर हम लोग डील करते हैं स्पॉन्ज डाई और केक्स में भी डील करते हैं, सेलिब्रेशन केक्स में, जिसमें आपको आपकी ये बास्किन रॉबिन्स वगैरह के केक्स वगैरह मिल जाते हैं। फिर हम डील करते हैं आपके चॉकलेट्स वगैरह में, जिसमें आपको चॉकलेट प्रोसेसिंग, चॉकलेट के कैसे स्टार्टिंग से लेके कोको निप से लेके एंड प्रोडक्ट तक कैसे आता है कंपाउंड चॉकलेट पर, एंड फाइनल हम लोग डील करते हैं आपके इसमें वेफर और बिस्किट्स की लाइन। अच्छा। जो आपके वायर कट कुकीज वगैरह। हाँ जी, बेकरी बेसिकली हमारा बेकरी और कन्फेक्शनरी से रिलेटेड है, बट हैवी प्रोडक्शन में। सर कितने साल हो गए इसको? हमारी कंपनी को हो गए हैं 25 साल, मेरे को काम करते हुए 2-3 साल हुए। तो यहाँ पे अब कहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ आपने? हमारा ऑफिस है दिल्ली और नोएडा में, वैसे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया भी है हमारा सेटअप, बट मेजर हमारा ऑफिस दिल्ली और नोएडा में। ठीक है, थैंक यू। राहुल इस समय एक लेबलिंग मशीन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे देखें किस तरीके से मशीन के ऊपर लेबलिंग, यहाँ पे ये लेबल है जो इसकी पैकिंग होगी, तो उसके अंदर ये यहाँ पे पैकिंग है इस तरीके से आएगा बोतल, उसके लिए लेबल लगता हुआ आएगा, जो ये देख रहे हैं आप ये प्लेन है, तो यहाँ पर लेबल लग करके यहाँ आएगा और सीधा यहाँ ये फाइनल होकर के हट जाएगा। ठीक है सर, ये लेबल लगाने की मशीन है जो आप देख रहे हैं, तो कंटेनर जो बड़े होते हैं उसके लिए मशीन है ये। फिलिंग की मशीन है यहाँ पर, फिलिंग मशीन है। सर कहाँ की कंपनी है ये? मुंबई बेस्ड है, थाने कितने सालों से कर रही है? बेलापुर, थाने बेलापुर रोड पे ही है, रबाले में। कितने सालों से कर रही है कंपनी? 30 ईयर्स हो गया उसको। अरे टाटा का स्टॉल जहाँ आपको दिखाई देंगे, टाटा के मसाले, टाटा का नमक जो फेमस है, और जो टाटा ने और फूड की आइटम बनाई है वो आप देखेंगे टाटा का। यहाँ टमाटर की चटनी है, अलग अलग ओनियन की चटनी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको टाटा की। यहाँ पे अगली चाय आप देख रहे हैं, टाटा के सामने दिखाई देगा कैच मसाले, उसके स्टॉल पर चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या है। कहाँ की है ये आपकी टीम? वी आर बेस्ड इन मुंबई, ओके, बट आर टीम्स आर फ्रॉम असम, 100% असम। तो किस रेट से स्टार्ट होती है आपकी? आर रेट्स आर डिफरेंट रेट्स वी हैव फॉर द प्रोडक्ट्स, तो हियर द स्पेशलिटी रेंज ऑफ टी स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 एंड अबव पर केजी। लुक फॉर सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, राइट? वी आर इनटू द एंटायर 50 इयर्स ओल्ड कंपनी। सबसे सस्ती कितने की है ये? सबसे कम रेट की कितने की है? कम रेट का वी हैव फ्रॉम 150 रुपीज पर किलो एंड इट गोज ऑन। और हाई कितने की है? हाई इज लाइक इफ यू आस्किंग फॉर द सीटीसी वी हैव अराउंड 500 रुपीज पर किलो। अच्छा, ओके, एंड फॉर दिस स्पेशलिटी रेंज ऑफ टी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 रुपीज एंड अबव। अब कंपनी कहाँ पे आपकी? वी आर बेस्ड इन मुंबई। मुंबई इनकी है, टी है जो आप देख रहे हैं, अलग अलग
यहाँ इनकी जो टी है उनकी वैरायटी उसके हिसाब से ये उसको टेस्ट भी करा के दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका स्टॉल है, यहाँ आपको दिखाई देगा पतंजलि फूड का स्टॉल, जहाँ इनके अलग अलग प्रोडक्ट आगे हम अमूल के स्टॉल पे जहाँ पे अलग अलग वैरायटियाँ क्या क्या आइटम हैं ये सब बतलाएंगे। सर नमस्कार, क्या प्रोडक्ट है आपके पास? सर ये अमूल के बटर की तीन वैरायटी हैं, ये सफ़ेद बटर मक्खन है, ये नॉर्मल बटर है जो रेगुलर यूज होता है, ये चोको बटर है। जैसे आप न्यूट्रेला से अगर कंपेयर करोगे तो उसमें पाम ऑयल सब होता है, लेकिन ये सिर्फ बटर है प्रॉपर प्योर इसके अंदर। यहाँ पे क्या है? ये ब्रेड से फ्री टेस्ट करने के लिए कि आप इसमें डिप करके टेस्ट कर लो, कर सकते हैं। सर नमस्कार, यहाँ पे क्या है आपके पास? सर हमारा पूरा चीज़ का रेंज हमने यहाँ पे शोकेस किया है अभी, तो वी हैव ऑल वैरायटीज ऑफ रेंज, प्रोसेस चीज़, नेचुरल चीज़, चीज़ स्प्रेड्स, क्रीम चीज़, ऑल फ्लेवर्स ऑफ चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका फ्रीजर में जो लगे हुए हैं सब चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे अमूल आइसक्रीम है, देखें सारा इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर है। यहाँ आप देख रहे हैं अमूल के स्टॉल के ऊपर आइसक्रीम है, कितनी वैरायटी है आपके आइसक्रीम की? सर बहुत सारी हैं, पांच वाली से लेकर 50-60 तक कोन है अपने आइसक्रीम है। जैसे सबसे बढ़िया आइसक्रीम थी इसमें आपकी केसर पिस्ता, माओ मलाई, बादशाही और अपनी एक रबड़ी कुल्फी आती है। किस रेट के केसर पिस्ता? केसर पिस्ता सर आपकी 30 रुपीज़ के अंडर है, 25-30। अच्छा। और एक जो सबसे बढ़िया आइसक्रीम आती है वही 10 रुपीज़ में आती है रबड़ी कुल्फी, जो सबसे बेस्ट और सबसे सेल वाली, मतलब सबसे ज़्यादा सेल होने वाली जो आइसक्रीम है वो 10 रुपीज़ की। जी सर, यहाँ पे आप देखेंगे अमूल के स्नैक्स जो भी है अलग अलग वैरायटी के। यहाँ पे आप देखेंगे अमूल के मैडम जी नमस्कार, आप अमूल के स्टॉल में बैठे, क्या क्या है इसके अंदर? ये मिठाई वाला स्टॉल है और इसमें रसगुल्ला, अंजीर बर्फी, शुगर फ्री और मलाई रसगुल्ले। ये क्या है आपका? ये अंजीर बर्फी है, ड्राई फ्रूट्स में। अच्छा, ये क्या है आपके पास? ये मलाई, शुगर फ्री मलाई पेड़। आप क्या है आपके पास जो स्टॉल पर रखा है? फिलहाल हमारे पास अमूल की घी है, इसमें वैरायटी आपके पास बफेलो की है, काओ की है, एंड हमारे पास काओ दो पैकेजिंग में मिलता है, एक तो आपको स्पॉट में मिलेगा, एक आपको टिन में मिलेगा। साथ में हमारे पास पाउडर मिल्क भी है जिसकी वैरायटीज आपको स्किम मिल जाएगी, स्किम में दो पैकेजिंग आती है, एक छोटी एक बड़ी, आपको एक होल भी मिल्क पाउडर मिल जाएगा। साथ में हमारे पास घी की अमूल प्योर घी 16 किलो का ठीक है। हाँ जी, आपके पास अलग अलग पैकेजिंग में मिल जाएगी। बस ये इंफेंट का बेबी पाउडर जो बेबी मिल्क आता है ये वो है, साथ में ये जो ये वाली पैकेजिंग है ये होल मिल्क की, वो दो तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाएगी। वाइटनर, डेरी वाइटनर आप उसे यूजली इसकी पैकेजिंग छोटी से छोटी में भी आती है, या टी वगैरह या कॉफी वगैरह में डाल सकते हो, आपको सारी वैराइटीज पैकेजिंग मिल जाएगी। फ्राइट में यही है, आप घी का भी टेस्ट कर सकते हो। बफेलो मिल्क आपको वाइट कलर में मिल जाएगा और काओ मिल्क जो प्योर होता है वो आपको येलो कलर में मिल जाएगा। ये आपको सारी दोनों की पैकेजिंग अलग अलग है, इनका कलर सेम है, ये मिक्स है और ये आपका प्योर बफेलो घी है और ये प्योर काओ मिल्क। थैंक यू मैडम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे BCL न्यूज एक्सपो मदन बोध के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बेरोजगार लोग बच्चे हैं उनको पता लगे कि क्या आजकल अपना काम भी किया जा सकता है।